स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैशन क्राउड में। आज हम आ चुके हैं मजनू के टेले में। इस मार्केट में आपको नए पुराने और एक्सपोर्ट सरप्लस के कपड़े मिलेंगे। इसमें जो ज़्यादा काम होता है वो होता है एक्सपोर्ट सरप्लस का, और बहुत ही कम रेटों में हमें यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का माल मिल जाता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहाँ आज लेकर आई हूँ। तो हम विंटर कलेक्शन यहाँ पर चेक करने हैं कि विंटर कलेक्शन यहाँ पर कितना अच्छा है और विंटर कलेक्शन में हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अभी मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे ये इतना बड़ा मार्केट लगा है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ संडे को लगता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे आ सकते हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पे मार्केट अच्छी तरीके से विंटर में लग जाती है। तो अगर आपको मजनू के टीले से शॉपिंग करनी है तो आपको जल्दी आना पड़ेगा, वरना अच्छा अच्छा माल जो कि यहाँ पर सुबह से ही छट जाता है। अभी आप देखिएगा यहाँ पर मॉर्निंग में 7 बजे ही कितनी ज़्यादा भीड़। तो कलेक्शन अगर आपको अच्छा चाहिए, बढ़िया चाहिए, तो आप मॉर्निंग में जल्दी आइएगा। चलिए अभी हम दिखाना स्टार्ट करते हैं। ये है बॉयज़ एंड गर्ल्स की कलेक्शन, जिसका प्राइस रहने वाला है 350 रुपये। क्वालिटी वाइज इज़ वेरी वेरी गुड। इस कलेक्शन में आपको दोनों मिल जाएंगे, गर्ल्स एंड बॉयज़, तो प्लीज़ चेक करके लीजिएगा। डिफेक्टेड माल भी इसमें होता है, तो प्लीज़ चेक करके लीजिएगा। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये भैया यहाँ पे मेंस की जैकेट सेल कर रहे थे, जिसकी इन्होंने सेल लगा रखी थी। 500 रुपये इसका प्राइस था। ये जो भैया ने ये उठा के अभी ये पटकी है, तो ये वाली जो है ये भैया कुछ मुझे बता रहे थे कि 3 लेंस में ऐसा कुछ हैगा, तो मुझे तो समझ नहीं आया। जेंट्स की थी ये, देखिए इसमें ये कॉलर ही पता नहीं डबल डबल है, बहुत ही हैवी ये थी, अच्छी क्वालिटी थी इसकी भी। और ये जो नीचे रखी हुई है, ये सारी की सारी ही 500 रुपये प्राइस इनका रहने वाला है, ओनली जेंट्स ये था। ये जो भैया हैं पार्किंग के बिल्कुल आगे बैठे हैं, वो देखिए वो पार्किंग है, और यहाँ पे ये भैया बैठे हैं। यहाँ पे ये बच्चों का कलेक्शन सेल कर रहे थे, जो कि प्राइस है इसका 150 रुपीज़ ओनली। तो ये देखिए ये भी मुझे ठीक ठाक ही लगे, बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगी मगर ठीक ठाक थे, 150 के हिसाब से बढ़िया थे। 500 रुपये। भैया ये जींस कितने वाली है? तो ये जो जींस है 200 रुपये की रहने वाली है। अच्छी तरीके से आप साइज़ वगैरह चेक करके ले लीजिएगा। यहाँ पर ये भैया लॉन्ग सॉक्स दे रहे थे 10-10 रुपये के ओनली, 10-10 रुपीज़ के ये थे। तो अगर आपको इसकी नीड हो तो आप ले सकते हैं, ओनली 10 रुपये का इनका प्राइस था। कोई से भी लीजिए, इतना बड़ा है ये। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। गाइज़ यहाँ से जो भी आप माल खरीदेगा बहुत ही चेक करके अच्छी तरीके से देख कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये बंदे ज़रूरी नहीं है इसी जगह पे बैठे हों या ना बैठे हों, तो माल वापस होने की कोई भी गारंटी नहीं है। तो चेक करके लीजिएगा। अच्छा अभी हम आ गए हैं दूसरी जगह पर। यहाँ पर देखिए इस टाइप की ये जैकेट्स रहने वाली है। ये भी सारा जेंट्स का कलेक्शन है, 350 रुपये इसका प्राइस है। तो इस तरीके की भी आप जैकेट्स यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके की रहने वाली है ये वाली जैकेट, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके की रहने वाली है, इसमें बहुत सारी थी, तो भीड़ होने के कारण मैं एक एक तो नहीं दिखा सकती, मगर इस टाइप की यहाँ पे जैकेट्स रहने वाली है, पॉकेट वगैरह में चेन वगैरह सब कुछ रहेगी। देखिए ये दूसरी वाली, ये ब्लैक वाली, तो इस तरीके की सारी जैकेट रहने वाली है मात्र 350 रुपये में। तो आप लेना चाहें तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये देखिए सामने हमारे एक भैया हैं, वो तो जैकेट पहन के देख रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से सब पहन पहन के देखते हैं, तो आप भी इस तरीके से चेक करके लीजिएगा। ये देखिए तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। ये भैया ने मुझे एक इस तरीके की भी दिखाई, तो ये भी मुझे अच्छी लगी। तो चलिए ये भैया भी बिल्कुल पार्किंग के पास ही बैठे हैं, तो आप इनसे आके ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आप देख ही सकते हैं विंटर के यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन आ रहा है, गर्ल्स बॉयज़ जिसका भी आपको, बच्चों का, बड़ों का, जिसका भी चाहिए सबका आपको यहाँ पे मिल जाएगा कम से कम रेटों में। ये देखिए यहाँ पे ये 150 रुपीज़ की इन्होंने ये सेल लगा रखी थी। ये पजामा था, पैंट टाइप में कुछ पजामा है, लड़कों के हैं ये, और ये भी बहुत मोटे थे, विंटर के हिसाब से ही थे। तो इस तरीके का ये रहने वाला है। यहाँ पर ये सारा पजामे का कलेक्शन है भैया के पास।
तो ये देखिए इतने सारे यहाँ पे इन्होंने पूरा ढेर लगा रखी कपड़ों की। तो इसमें से आप ढूंढ के जो भी आपके साइज़ का आपकी पसंद का हो तो आप ले सकते हैं। 150 रुपीज़ इसका प्राइस रहने वाला है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पे बच्चों का कलेक्शन मिला है जो कि बहुत बढ़िया था। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों आपको इसमें मिल जाएगा। 150 रुपीज़ ऑनली इसका प्राइस रहने वाला है। ये देखिए ये गर्ल्स का है, बहुत ही प्रिटी लग रहा था। तो देखिए अभी मैं आपको पिंक वाला दिखाती हूँ। ये पिंक वाला बहुत ही बढ़िया मुझे लगा, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक में ये रहने वाला है, बहुत ही क्यूट टाइप का ये लग रहा था मुझे। एक यहाँ पे एक रेड वाला है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये येलो कलर का आई थिंक ये बॉयज़ का है। और ये रेड वाला देखिए, ये वाला भी बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी शोरूम पे या किसी मॉल पे आप जाएंगे तो 500-600 रुपये से आपको ये नीचे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ओनली 150 रुपीज़ के यहाँ पे मिल रहे थे। 150 बस गर्ल्स के इसमें, अच्छा दोनों है। देखो थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे गर्ल्स का कलेक्शन मिला जो कि बहुत ही अच्छा था। देख वाला ये 250। तो ये कलेक्शन भी विंटर का मुझे बहुत पसंद आया। गर्ल्स में बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक इस कपड़े का रहने वाला था। ये ब्लैक वाला भी बहुत सॉफ्ट था, ये देखिए। तो बहुत अच्छा ये कलेक्शन लग रहा था। अच्छा भैया ने मुझे ये बोला था ये गर्ल्स, ये कलेक्शन गर्ल्स का रहने वाला है, बट ये गर्ल्स का मुझे लग नहीं रहा था। इसमें एक आध पीस लड़कों का भी था, सारा नहीं मगर एक आध पीस था इसमें। तो प्लीज़ चेक करके लीजिएगा, ये नहीं कि आप इनकी बातों पे चले जाओ कि गर्ल्स कलेक्शन है तो जो आपको बढ़िया लगे उस तरीके से लेना, लड़कों के मत लेके चले जाना गर्ल्स। तो इस तरीके का ये कलेक्शन देखिए कितना प्रीटी प्रीटी इन्होंने दिखाया था। ये कलर बहुत अच्छे लग रहे थे। ये वाला जो था, ये वाला मुझे जेंट्स का लग रहा था, ये देख रहे हैं आप इस टाइप का। ये थोड़ा मुझे लड़कों वाली लुक दी है इसने, बाकी पता नहीं आप कमेंट करके बताइएगा कि ये लग रहा है या नहीं लग रहा आपको। तो थोड़ा आगे जाके मुझे यहाँ पे मिला बच्चों का कलेक्शन जो कि थी जैकेटें। 150 रुपीज़ इनका प्राइस रहने वाला है ये जैकेट्स का। और ये साइड में जो टॉप वगैरह रखे हैं, पजामे रखे हैं, पजामे 150 के दो थे। ये जो साइड में ये कपड़े रखे हैं ये 150 का था। बाकी इनके पास ये बच्चों ये गर्म कपड़े भी थे, तो ये 100 के दो थे। चाहे आप कोई सा भी लो, शर्ट लो या पजामा लो, क्या 100 की दो। थोड़ा सा आगे जाकर मुझे ये लड़कों की टी शर्ट्स मिली। 150। तो ये भैया जो है 150 रुपये की सेल इन्होंने लगा रखी थी। लड़कों की टी शर्ट स्वेटर्स भी इसमें थी। ये ब्लू वाला व्हाइट वाला बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक में ये था, तो ये भी 150 का ही था। ये सारी सेल ही 150 की थी। तो इस तरीके से भैया के पास बहुत सारे थे। ये भैया बिल्कुल यहाँ पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ये जैकेट का कलेक्शन था जिसमें एडिडास लिखा था। भैया ने ये 500-550 की सेल में लगा रखा था। भैया कितने वाली है जैकेट? 500-550। ये वाला 550 का है। तो अभी बात करते हैं इसके फैब्रिक की। फैब्रिक इसका बहुत अच्छा था। इसकी चेन में ये जो मेन चेन होती है, पॉकेट की चेन थी, इन सब में एडिडास लिखा था। और क्वालिटी भी इसकी बहुत बढ़िया थी, बिल्कुल हवा जाने वाला नहीं था। इसमें आपको देखिए ये टैग वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ, इस तरीके की भी भैया के पास मिल रही थी। तो बहुत बढ़िया है भैया के पास कलेक्शन था। पैसे कम ये भैया बिल्कुल नहीं कर रहे थे। जो इन्होंने रेट बोल दिया तो समझो बोल दिया। ये देखिए इस तरीके से इसमें टैग वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ छटा छटाया माल है, बिल्कुल फ्रेश माल ये हैगा। तो इस तरीके से आप भी ले सकते हैं। ये देखिए चेन वगैरह की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया थी भैया की। अंदर से देखिए इस तरीके से रहने वाला है ये। अभी मैं आपको दिखाती हूँ गर्ल्स की कलेक्शन जिसका प्राइस है 500। भैया के पास ही ये मिल रही थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये गर्ल्स की कितने वाले? 500। तो ये देखिए भैया के पास इस टाइप का गर्ल्स का कलेक्शन रहने वाला है ओनली 500 में। बहुत ही अच्छे इसके कलर थे, कलर वगैरह। ये ब्लैक वाला भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये देखिए बिल्कुल भी यूज माल नहीं है, ये सारा का सारा माल फ्रेश है। तो आप ले सकते हैं आकर। भैया के बगल में ये भैया पजामे भेजे थे, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों रहने वाले हैं। प्राइस इनका ओनली 150 रुपीज़ था। ये कितने वाले? 150। तो 150 में ही आपको मिलने वाले हैं। क्वालिटी इनकी भी बहुत अच्छी थी। ये जो येलो वाला है इसका तो बहुत अच्छा फैब्रिक था, बहुत ही मोटा पजामा था, विंटर कलेक्शन के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया था। ये लड़कों का था। तो इस टाइप के अलग अलग तरीके के पजामे दे रहे हैं। दूसरी साइड में लड़कियों के थे, इस तरफ लड़कों के थे, ओनली 150 रुपीज़ में। तो चलिए जैकेट पे फोकस करते हैं। मैं दोबारा भैया के पास आ गई हूँ। तो भैया ने मुझे ये बड़े साइज़ भी दिखाए, तो भैया के पास साइज़ सारे मिल जाएंगे। ये देखिए ये पहन के दिखा रहे, तो एक्सल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, पता नहीं कौन कौन से एक्सल इनके सारे थे। तो आप आके अपने हिसाब से ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा कलर इस वाली का मुझे लग रहा था, बहुत ही शाइन कर रहा था धूप में भी। तो ले सकते हैं आप आके इसे ओनली 500 रुपीज़।
350। तो ये जैकेट 350 की थी। ये सामने जीन्स बेच रहे हैं, 200-200 रुपये की जीन्स है। यहाँ पे हमें अपर मिल रहे थे जो हम ट्रैक सूट में पहनते हैं। तो ये देखिए एडिडास के ये रहने वाले थे। ये भी देख 300। तो भैया 300-300 रुपये की सेल में ये अपर उन्होंने लगा रखे थे जो कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे, मात्र 300-300 रुपये के। तो आप भी ले सकते हैं अगर आपके साइज़ का, आप यहाँ पर आके चेक कर लीजिएगा। इस तरीके के रहने वाले हैं सारे ही, ये एडिडास के थे। ये जो अपर थे इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ के दोनों के थे, दोनों की ही 300 की सेल थी। गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार मेरी वीडियोस को दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक इंस्टाग्राम में और मुझे कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा देख रहा है ताकि मैं वो जाके वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ। यहाँ पर ये मिल रहे थे एक ब्लैक कलर के कोट, लड़का लड़की जो भी चाहे वो पहन सकता है। 100 रुपीज़ इनका प्राइस रहने वाला है। क्वालिटी की बात करें तो मुझे कोई खास नहीं लगी। तो आगे बढ़ते हैं। 150 150 150 150 कितने की? 150 की ना। तो ये जो जिनसे रहने वाली हैं ये ओनली 150 रुपये की रहने वाली हैं। तो आप अपना साइज़ चेक करके यहाँ से ये भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़कर हमें यहाँ पे ये मिले हैं ब्लेज़र जो कि गर्ल्स के आई थिंक मुझे लग रहे थे। तो इसका जो प्राइस था 200 रुपये था, ओनली 200 रुपये में मुझे मिल रहे थे ये, तो मुझे बहुत खास नहीं लगे तो इसलिए मैं ऐसे दिखाऊँगी नहीं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भाई ये कितने वाली स्लीपर्स है? 100 रुपीज़ ओनली। वो बेली भी हीरा 150। तो इस टाइप के स्लीपर 100 और बेली आपको 150 की मिल जाएगी यहाँ पर। भैया ये कितने का है ये गर्म वाला पजामा? हाँ जी 150। भैया जीन्स कितने वाली है? 200। तो ये भैया 200-200 रुपए की जीन्स थे, गर्ल्स बॉयज दोनों थी इनके पास। 200 वाली। भैया कितने वाली चादर है? 125। और ये पीछे रेड वाला क्या है? कितने की है? 1750। हैवी में होगी ना। अच्छा ये कंबल कितने वाले हैं? इसका क्या है? क्या डबल है? हाँ ये तो इसका प्राइस 300 रुपये रहने वाला है। ये बहुत ही अच्छी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बड़ा मज़ा आता है इसको लेके सोने में। तो ये जो चादर आप भैया दिखा रहे हैं ये 100 रुपये की रहने वाली है, कॉटन की चादर है ये। तो ये बहुत ही बढ़िया थी ये भी, मुझे मगर सबसे बढ़िया ये वाली लगी मुझे ये, क्योंकि अच्छी ही लगती है, बहुत सॉफ्ट होती है, आप देख सकते हैं। वो कलर कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके आते हैं, ये कलर देखो कितना बढ़िया लग रहा है, धूप में शाइन कर रहा है ना। तो ये ब्लू वाला भी 1500 का मिलेगा, डबल बेड का ये है का। ब्लैंक अंकल जी कितने वाले शूज़ हैं ये? अलग अलग रेट हैं इनके। ये वाले कितने के हैं? 450 रुपये उसका प्राइस रहने वाला है शूज़ का, अलग अलग रेट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो टी शर्ट्स हैं 150-150 रुपये की मिल रही थी यहाँ पे। इस मार्केट में आपको शूज़ के भी कलेक्शन देखने को बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे, ब्रांडेड शूज़ यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि हमें 5-5, 7-7 हज़ार के हमें मार्केट में मिलते हैं। यहाँ पे आपको 2500-3000 में मिल जाते हैं, मगर आपको यहाँ पे तभी आना चाहिए अगर आपको बार्गेनिंग आती है, क्योंकि बार्गेनिंग बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर होती है। लाइक आपको 3000 का ये जूता बताएंगे, आपको ये 1000-1500 रुपये में वो दे देंगे। तो आप यहाँ पे जब भी आएगा बार्गेनिंग जरूर कीजिए। 100 के सारे और उधर वाले 150 के। ये भैया 150 की दो स्वेटर्स बेच रहे थे जो इतनी ज़्यादा खास नहीं थी बट ओके थी। तो अगर आप लो तो चेक करके लेना अच्छी तरीके से। हेलो 150 का 2 150 का 2 150 का 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब भीड़ बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे करके। ये देखिए भैया ये स्टॉक कितने के? 10 रुपये। ये देखो कितने के? अच्छा। तो 10 रुपये में भैया जुराब दे रहे थे, आप चाहे तो आप ले सकते हैं अच्छी तरीके से चेक करके, क्योंकि इसमें डिफेक्टिव पीस भी होते हैं। भैया कितने वाली है स्लीपर्स? 100। और वो सैंडल्स? सैंडल्स 150। ये कितने वाले शूज? 250। 250।
अरे देख। और भाई इधर वाली ये कोई सा भी लो 250। अच्छा कोई सा भी लो 250, सारे 250 के। तो आप कोई भी साइज कोई सा भी शूज आप ले सकते हैं, 250 रुपए ओनली प्राइस रहने वाला है। ये लॉन्ग जैकेट्स हैं, कितने की है भैया ये कितने की? 350। तो ये लॉन्ग जैकेट रहने वाली है 350 रुपए की, गर्ल्स बॉयज दोनों की है। भैया कितने वाले टॉवल हैं ये? अब वो बच्चों के तो टॉवल यहाँ पे 100 रुपए के रहेंगे और बच्चों के कंबल 150 के। ये जो टॉवल थे बहुत ही हल्के थे तो आप देख कर ले सकते हैं। भैया ये कितने वाली है? ये 500 की है। तो ये जैकेट 500 रुपए की रहने वाली है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों इन पे मिल रहे हैं। ये देखिए किस तरीके की रहने वाली है, ये देखिए इसका भी फैब्रिक क्वालिटी बहुत बढ़िया था। देखिए ये गर्ल्स की है पापा वाली। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। इसे कभी भी आप कोई जैकेट्स वगैरह लें तो आप इसको पहन के देखिए, ताकि कोई इशू बाद में रहे ही ना साइज़ का। तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप। यहाँ पे ये अंकल जी सॉक्स बेच रहे थे, 50 रुपये के 3 ये रहने वाले थे, में रहने वाले हैं ये 150 रुपीज़ के रहने वाले हैं। ये ट्रैक सूट के पजामे टाइप के जो होते हैं वैसे में दे, तो ये 150 के रहने वाले हैं। भाई ये कितने वाले हैं अपर? ओ भाई अपर कितने वाला है वो? 250 नीचे, 250 ऊपर, 250 ऊपर वाला, 350 नीचे वाला, नीचे 250 नीचे भी उधर। दूर कितने के यार? ये ठीक है, 250 अपर भी 250। भाई ये जैकेट कितने वाली है? भैया कितने वाली जैकेट है ये? 500 रुपए जी, 500 रुपए। ये जैकेट रहने वाली है 500 रुपए की। गाइस मुझे ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप सब बोर हो जाओगे। तो मैं एक पहले पार्ट डालूंगी फिर एक दूसरा डालूंगी जो कि इसी का रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जैकेट 300 रुपए की भैया दे रहे थे, हाफ जैकेट जो जेंट्स की होती है। तो यहाँ पे ये एक अंकल जी थे जिन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, ये बहुत तेज आवाज लगा के अपने पास ग्राहक बुला रहे थे सब। अभी मैं आपको भी सुनवाती हूँ कैसे बुला रहे थे। एक ये जैकेट थी बहुत भारी थी ये, तो अंकल जी ने यहाँ पे 350 की सेल लगा रखी थी। तो इस तरीके के जैकेट्स इनके पास मिल रही थी। तो गाइस अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस मार्केट में जाने के लिए। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पर सामान मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय गाइज, इन्जॉय दिस डे।